हेलो दोस्तों, आप लोगों को टायर एंड ट्यूब रिपेयरिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मैं आज 1000 पीस के टायर जो ट्रक में होते हैं और ट्रैक्टर में लगता है उस साइज के मैं ट्यूब बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। और देखते हैं, इस भेल ट्यूब का भेल मेरा यहाँ पर ख़राब था, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। हल्का टूटा उसको हुआ था काट के हटा देना है। और यहाँ पर ये है, इसका नाम क्या है? भेल भेल नाम है इसका। ये ओरिजिनल भेल है, और मार्केट में आता है वो डुप्लीकेट भेल रहता है, नया रहता है, नया रहता है वो डुप्लीकेट रहता है, वो नहीं चलता यहाँ से। ये ओरिजिनल भेल है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम कैसे कैसे। ये मेरा ऊपर से ट्यूब लगाएंगे, इसको इसमें लगा के ऊपर से लगाएंगे, और ये सुलेशन है। आप देखिए सुलेशन लगाने की प्रक्रिया, देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसको ऐसे पकड़ के इसको इसमें डाल के इसको लगा देना है, इस तरह करके उसका अंदर घुसा देते हैं हम लोग। वो अंदर चला गया हल्का, उसमें इसमें हल्का सुलेशन लगना चाहिए लोहा में, ताकि अंदर सड़ जाए। और वो देखो अंदर भेज चला गया। अब ऊपर से हमें ट्यूब मार के देखते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं। अब अंदर से देखो, ये ट्यूब में हल्का छेदा रहना चाहिए। अब ट्यूब और घुसा रहा है इसको, लगा के इसको दाब देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ये वाला लगाने के ट्यूब लगाने के बाद ये वाला कवर नॉट प्लेट लगा के उसके बाद ऊपर से नॉट हम लोग इस दोनों से माने चापना है, ताकि माने नॉट उसमें घुस जाए। घुसने के बाद हम 17 नंबर रिंच लगा कर हम इसको टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसको टाइट कर देना है इस तरह। ये टाइट हो गया, अब ये देखिए सक्सेस। देखिए हमारा एक जो भेल टूटा हुआ था वो निम्न हो गया, ट्यूब एकदम फ्रेश हो गया, ट्यूब बन गया यहाँ पे। इस तरह से आप घर बैठे ही बना सकते हैं फ्रेंड, ज़्यादा औजार की भी जरूरत नहीं रहता है। आप वहाँ चाकू से काट के वहाँ पर ट्यूब इंसुलेशन लगा कर आप बना सकते हैं घर बैठे, या आपका दुकान होगा तो आप दुकान में भी आराम से, आप नहीं जानते हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट डे मिलता हूँ। तो अब इतना चलता हूँ, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।